हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा एंड वेलकम टू लर्नर्स स्क्वाड। आप सबका स्वागत है लर्नर्स स्क्वाड पर। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम्स आज कंडक्ट हो चुके हैं, तो आपको मैं यहाँ पर CDP की जो ऑथेंटिक आंसर की है वो मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ये है EVS की आंसर की। आप लोग इसको अपने सेट से मैच कर लीजिएगा। ये सेट नंबर D की आंसर की है, तो आपकी जो भी आपका सेट का बुकलेट हो उससे आप इसको मैच कर सकते हैं। ये आंसर की 99.99% एकदम ऑथेंटिक है। आपको एक से दो क्वेश्चन ही डिफर मिल सकते हैं रियल आंसर की से, बाकी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। दैट्स माय गारंटी। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 61 जो कि था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन EVS, यानी पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो इसका आंसर होगा एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, यानी वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, बाकी पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये सारे होंगे। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन EVS, यानी निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर रखना चाहिए। इसका आंसर है आंसर नंबर 2, जजिंग द आंसर्स गिवन बाई चिल्ड्रेंस इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, अ टीचर ऑफ क्लास 5th कंडक्ट्स एन एक्टिविटी इन विच शी आस्क हर चिल्ड्रेन टू ड्रॉप सम शुगर ऑन द ग्राउंड एंड आस्क देम टू वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। चिल्ड्रेन कैन बी गिवन मीनिंगफुल लर्निंग फ्रॉम दिस एक्टिविटी इफ टीचर, यानी ये कक्षा 5 की शिक्षिका है, वो अपने बच्चों को क्रियाकलाप करने के लिए कहती हैं, जिसमें वो कहती हैं बच्चों से कि फर्श पर कुछ दाने डाल दो शुगर के और तब तक इंतज़ार करो जब तक कि वहाँ चींटियाँ ना लग जाएं। तो बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका सही आंसर नंबर 4, इनकरेजेस हिज और हर चिल्ड्रेन टू ऑब्जर्व शेयर देयर एक्सपीरियंसेस फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी, यानी बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 64, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट, टोटो टॉयज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक एंड फिश। तो इसमें से कौन सा इस सूची से डिफर है वही बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका क्रो, यानी कि कौवा, बाकी सारे के सारे एक ही सूची में आते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पर दिया गया है कि किस शहर के लोग क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। तो हांगकांग में लोग कुक्ड स्नैक्स पसंद करते हैं, यानी पकाया हुआ सांप खाते हैं। केरल में लोग बॉयल टैपियोका खाते हैं। कश्मीर के लोग फिश कुक करके खाते हैं मस्टर्ड ऑयल में, एंड गोवा के लोग सी फिश कुक करके खाते हैं कोकोनट ऑयल में। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा वो होगा आंसर नंबर 3। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क, यानी कौन सी पक्षियों की प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, यानी वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री में मूव कर सकती है। दैट इज द आउल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर एलिफेंट्स के बारे में दिया है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप्स 2 to 4 hours ओनली इन अ डे, ये भी सही है। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे, ये भी सही है। They love to play with mud and water. The mud keeps their skin cool. ये भी सही है। But option number D जो दिया है, in elephant herd, the oldest female elephant decides everything. किसी हथिनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। Sorry, ये भी सही है। यहाँ पर जो दिया है option number B कि एक जो बड़ा हाथी वो एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है, ये गलत है। यहाँ पर ये जो दिया गया था ये छोटे बच्चे के बारे में दिया गया, यानी जब हाथी का छोटा बच्चा होता है वो एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। यहाँ पर घरों के बारे में दिया गया है। सारे क्वेश्चन EVS में NCERT से ही आए थे। जिसने भी NCERT ढंग से पढ़ा होगा उसके सारे क्वेश्चन सही हो गए होंगे कंटेंट के। ओके, यहाँ पर दिया गया कि राजस्थान का जो विलेज है लिव्स इन मड्स हाउस, यानी वो मड के बने होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, तो ये सही है। बट दिया गया है कि मनाली में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो ये गलत है। बांस के खंभों पर घर असम में बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। सी दिया है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, ये भी सही है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A and C जो कि है ऑप्शन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री विच इज़ फाउंड इन, यानी रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एकदम NCERT से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 70 भी जो है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट इसमें भी प्रीवियस ईयर में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बट उसमें जो डाटा है वो अलग अलग करके दिया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 53 किलोमीटर पर आवर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। तो निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? तो इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स, यानी इसमें से कौन सा समूह जड़ों का है? तो उसमें आंसर्स होंगे कैरेट, बीट रूट एंड रेडिश, यानी गाजर, चुकंदर और मूली। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। नेपेंथीस के बारे में दिया गया है, ये वह पौधा है जो शिकार करता है। ऑप्शन है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। एकदम सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी सही है। सी दिया है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ये भी सही है। फिर चौथा कहता है कि यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। यहीं पर गलत है, वो आवाज़ नहीं निकालता है, वो एक स्मेल फैलाता है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स उसके पास आते हैं और उनको ट्रैप कर लेता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज डांडी शीश सौर लोकेटेड, वेयर महात्मा गांधी डिड इज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह किस राज्य में है? तो बहुत ही आसान सा आंसर गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 75, हाई फीवर विद सीवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, यानी सिनकोना पेड़ की छाल से उसकी दवा बनाई जाती है। जो तेज बुखार के साथ कपकपी आती है, तो ये लक्षण है मलेरिया के। क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एज पर एनसीएफ 2005। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर 1, टू डेवलप प्रेसिस क्वांटिटेटिव स्किल्स अमंग चिल्ड्रेन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर, चिराओ इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ, ये मिजोरम में चिराओ डांस किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 79, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर, यानी तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, दैट इज आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, ईवीएस फॉर क्लासेस 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स, यानी पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, द कंसेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ईवीएस, यानी ईवीएस के संदर्भ में क्या सही है? फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड कंसर्न्स एंड इश्यूज ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू साइंस एंड सोशल साइंस। यही क्वेश्चन आप, यही आंसर यहाँ पर आपका सही है, बाकी के सारे यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 है, चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट्स दैट ईवीएस इज लर्न थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर। देखिए इसका जो आंसर है, ये दो आंसर हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि ईवीएस इज लर्न थ्रू इन्फॉर्मेशन, सॉलिड आंसर तो यही लग रहा है, बट आंसर नंबर 4 भी हो सकता है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित भी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस। तो यहाँ पर पहला ही आंसर है थिंग्स वी मेक एंड डू, बाकी सारे के सारे यहाँ पर सब थीम में, सब ही थीम में आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर, यानी क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो दैट इज एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस, यानी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रन। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी एंड सी, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन एंड टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस गलत दिया हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस टीचर हु इनकरेजेस हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल्स एंड मेक पिक्चर्स ऑन देयर ओन इज और टू, यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं,
develop creativity of children, develop observation and design skills of children and develop aesthetic sense of children. यहाँ पर तीनों ही सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर वन सही होगा, ए बी एंड सी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 87. चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज्ड इन ईवीएस लर्निंग थ्रू, यानी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है नैरेटिव्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय द टीचर एंड इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय द टीचर. यहाँ पर भी दो क्वेश्चन टैली कर सकते हैं, या तो ए बी एंड सी होगा या फिर ओनली ए एंड बी होगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं भाई CBSE क्या मानती है, आंसर क्या सही होता है, क्योंकि इनके आंसर्स बहुत ज़्यादा वेराई करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 88. इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स वाइल वॉकिंग इन ग्रुप्स इज इनकरेज्ड बिकॉज, यानी पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ग्रुप लर्निंग इज ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ द क्लास, यानी कि कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और प्रभावशाली युक्ति है. ये तो गलत है. ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग, यानी समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है. ये आंसर सही हो सकता है, आंसर नंबर सी. ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. एंड ग्रुप लर्निंग हेल्प्स इन कम्प्लीटिंग द सिलेबस ऑफ ईवीएस इन टाइम, तो ये आंसर पूरी तरह से गलत है, यानी बी एंड सी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 89. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज फॉर ईवीएस लर्निंग, फैमिली मेंबर्स ट्रू, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी दैट इज ऑल्सो ट्रू, न्यूज़पेपर एंड क्लासरूम इज नॉट ट्रू, बट इट कैन बी कि न्यूज़पेपर को ये आंसर ऑप्शन में मान लेते हैं, एंड क्लासरूम का तो ऑप्शन ही नहीं है, बट ये इसको मान सकते हैं. तो आप तीन क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार कर दीजिएगा कि सीबीएसई क्या आंसर मानती है, हम उसको देखते हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ ईवीएस. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस, यानी सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, तो वो है नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर. ओके फ्रेंड्स, तो ये था ईवीएस का पेपर वन का पूरा ऑथेंटिक आंसर की. आपके कितने आंसर सही हुए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. बाकी आंसर की के को जानने के लिए अगर आप जानने के उत्सुक हैं तो आप मेरे चैनल पर लर्नर्स स्क्वाड पर व्यू करिएगा, वहाँ पर आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.